नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हनुमान जी की कृपा से जीवन की किसी भी बाधा को दूर किया जा सकता है और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हनुमान जी की कृपा से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और स्वास्थ्य की बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हनुमान जी की एक स्तुति हनुमान बाहुक, अगर आप इसका पाठ करते हैं, नियम पूर्वक इसका प्रयोग करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, अपने विषय पर आ जाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में, स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने में हनुमान जी की पूजा से कैसे लाभ हो सकता है। देखिए, हनुमान जी भक्ति और शक्ति के अद्भुत प्रतीक हैं। जब बात होती है भक्ति की तो हनुमान जी की बराबरी उस भक्ति में कोई नहीं कर सकता। ये सरल भक्ति और प्रेम से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी ने ही लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राण दाता भी कहा जाता है। हनुमान जी के बहुत सारे विशेष मंत्र हैं और विशेष स्तुतियां हैं जिनके पाठ से आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, आपको स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है। हनुमान जी की तमाम स्तुतियों में, तमाम मंत्रों में अगर विशेष तरीके से हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो हर बीमारी में सुधार हो सकता है। यानी अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं और अगर आप नियम पूर्वक हनुमान बाहुक का पाठ करें तो आप स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हनुमान बाहुक कैसी स्तुति है, इसकी महिमा क्या है ये जानेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, बेवजह की चिंता हो सकती है, कीमती चीज अगर संभाल कर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, थोड़ी व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम इस समय प्रयास करने पर पूरे होंगे, चिंताओं से आपको राहत मिलेगी,
स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि हनुमान बाहुक जो हनुमान जी की स्तुति है ये दरअसल है क्या और इसकी महिमा क्या है। देखिए हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई एक स्तुति है। जब कलयुग का प्रकोप आया उनके ऊपर तो तुलसीदास जी को कलयुग के प्रकोप से पीड़ा हुई शरीर में, तब उस पीड़ा को शांत करने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। ऐसा माना जाता है कि अगर स्वास्थ्य की कोई समस्या है और आप प्रेम से हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं तो स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए इसका पाठ अमोघ है, इसका पाठ अचूक है। अगर आपको शरीर में या कहीं भी दर्द की शिकायत है, पेन की समस्या है तो हनुमान बाहुक के पाठ से जल्दी लाभ होता है, दर्द दूर होता है। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें रोग का कारण समझ में नहीं आ रहा है और आप हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं तो हनुमान बाहुक आपके रोगों का नाश कर देता है। दर्द की समस्या के मामले में हनुमान बाहुक का नियम पूर्वक पाठ करने से लाभ होता है। और इसके अलावा अगर कोई अज्ञात बाधा है जीवन में, कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे ठीक होने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है और आप हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से वो बीमारी आपकी दूर होती है। और अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान बाहुक का पाठ करता है तो सामान्यतः वो स्वास्थ्य की समस्याओं से बचा रहता है। हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे कैसे, इसकी विधि क्या होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, चोट चपेट से इस समय बचाव करें, महत्वपूर्ण काम इस समय टाल देना बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ भी हो सकता है, मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि हनुमान बाहुक का पाठ करने की विधि क्या है, तरीका क्या है।
हनुमान जी का एक चित्र स्थापित करें जिसमें हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हों, आशीर्वाद की मुद्रा में उनकी एक प्रतिकृति स्थापित करें और हनुमान जी के साथ भगवान राम का चित्र या उनकी मूर्ति भी स्थापित करें। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं और एक पात्र में, सामने एक लोटे में, गिलास में या कटोरी में शुद्ध जल भर के, साफ जल भर करके रखें। पहले श्री राम की स्तुति करें, पहले भगवान राम को प्रणाम करें, उनका ध्यान करें, फिर हनुमान जी का ध्यान करें। इसके बाद हनुमान बाहुक का पाठ करें और पाठ के 5 मिनट के बाद रोगी को थोड़ा सा जल पिला दें। अगर आप खुद ही रोगी हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जल पी लें और बाकी बचा हुआ जल शरीर में जहां जहां दिक्कत है आपको, जहां जहां आपको रोग है, रोग ग्रस्त हिस्से पर बाकी जल को लगाएं। ये प्रयोग लंबे समय तक करें। अगर आप किसी दूसरे के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसे जल पिलाइएगा और उसके शरीर में जहां जहां दिक्कत है वहां वहां जल लगाइएगा, बाकी जल पौधे में डाल दीजिएगा। और अगर आप खुद ही रोगी हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जल स्वयं पी लें और अपने शरीर के रोगग्रस्त हिस्सों पर उस जल को लगाएं और बाकी जल पौधे में डाल दें। ये प्रयोग आप रोज सुबह करते जाइए लंबे समय तक। लगभग 15 दिनों में इस प्रयोग का पॉजिटिव परिणाम, अच्छा फल आपको निश्चित रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, हनुमान बाहुक हो सकता है आपको पढ़ने में कठिन लगे, तो आपको हनुमान चालीसा की एक पंक्ति बताते हैं। इस पंक्ति को आप मंत्र की तरह अगर सुबह शाम पढ़ें तो निश्चित रूप से इस पंक्ति का जप करने से भी आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। पंक्ति होगी, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस पंक्ति को अगर मंत्र की तरह सुबह शाम 108 बार जपा जाए, पढ़ा जाए, तो रोगों से, दर्द से, बीमारियों से छुटकारा जल्दी मिल जाता है। और इसके अलावा रोग दूर करने का हनुमान जी का एक विशेष मंत्र भी है, ओम लक्ष्मण प्राण दात्रे नमः। ओम लक्ष्मण प्राण दात्रे नमः। इस मंत्र का भी अगर आप सुबह शाम जप करें तो हनुमान जी की कृपा से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार जल्दी होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इस समय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी, परिवार में कोई शुभ कार्य इस समय होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
कुंभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, हालांकि काम का प्रेशर रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा हो तो जिस समय दर्द हो रहा हो, एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद डाल करके मिला लें और इसे घूंट घूंट करके पी जाएं। आपको दर्द की समस्या से तत्काल छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा, थोड़ी सी दूब घास उसी में से अपने पास रख लीजिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।